सुप्रभात आदरणीय ट्रस्टीगण, प्रधानापकगण, निर्णायकगण, वालीगण और मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम जेनेन मगासिया है। क्या आपको पता है कि कुछ समय पहले भारत को किस चीज में सफलता मिली? हाँ, आज मैं अपने विषय चंद्रयान 3 भारत को एक और सफलता पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी। चंद्रयान 3 भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्री हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 को भेजा गया था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 को सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतारने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान 3 को बनाते समय भारत ने किसी भी तरह से विदेशी तकनीक का सहारा नहीं लिया है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया है। इस मिशन की सफलता भारत के लिए गौरव का क्षण है। यह मिशन भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे बहुत से वैज्ञानिकों का हाथ है, उनकी मेहनत और लगन है, परंतु वह 7 वैज्ञानिक जिन्होंने चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण से लेकर उसके अवतरण तक, उसके निरीक्षण से लेकर उसकी बनावट तक सब में अपना पूरा योगदान दिया। पहले है लखनऊ के वैज्ञानिक ऋतु श्रीवास्तव, जिसे भारत की रॉकेट महिला के नाम से भी जाना जाता है, इस मिशन की प्रमुख है। फिर आते हैं श्रीधर सोमनाथ, पी विमुथुवे, एस उन्नीकृष्णन नायक, ए राज राजन, एम शंकरन और जयन दत्ता जैसे और बहुत से वैज्ञानिक। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 को भेजने के पीछे इसरो का उद्देश्य क्या होगा? तो चंद्रयान 3 को भेजने का उद्देश्य नियंत्रित चंद्रमा पर संभावित पानी, बर्फ और संसाधनों के लिए उसके दक्षिणी ध्रुव पर स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों की जांच करना है। अवतरण के लिए चंद्रमा के निकटतम भाग को चुनने का उद्देश्य नियंत्रित सरल अवतरण था। चंद्रयान 3 की संरचना में एक प्रणोदन मापांक, एक घुमंतु और एक भूमियान शामिल है। घुमंतु और भूमियान को चंद्र कक्षा तक प्रणोदन मॉड्यूल द्वारा संचालित किया जाता है। सरल अवतरण करने वाला भूमियान गहन विश्लेषण के लिए उपकरणों से सुसज्जित है। छाया चित्रों को स्पेक्ट्रोमापी और एक ड्रिल के साथ घुमंतु एक चंद्र दिवस के दौरान 500 मीटर की यात्रा करते हुए चंद्र सतह का पता लगाएगा। इस मिशन के घुमंतु का नाम प्रज्ञान और भूमियान का नाम विक्रम रखा गया है। चंद्रयान 3 के सफलता के साथ साथ उसके किफायती बजट ने भी दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चंद्रयान 3 का बजट केवल 615 करोड़ का है। हॉलीवुड और यहाँ तक कि बॉलीवुड के फिल्मों से भी कम बजट में भारत चांद पर पहुंच गया। अब इस मिशन के सफल होने के बाद दुनिया भर की निगाहें भारत की ओर देख रही है। चंद्रयान 3 के कम बजट ने अमेरिका, चीन, रूस समेत दुनिया भर के देशों की दिलचस्पी इसरो के इस मिशन में बढ़ती जा रही है। इसरो ने कर दिखाया है, भारत का झंडा चांद पर लहराया है। इसरो ने कर दिखाया है, भारत का झंडा चांद पर लहराया है। चंद्रयान 3 का अवतरण करा कर भारत का सिर गर्व से ऊंचा उठाया है। चंद्रयान 3 का अवतरण कराकर भारत का सिर गर्व से ऊंचा उठाया है।
इस सफलता के लिए सभी वैज्ञानिकों को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और उनकी मेहनत और उनके लगन के लिए उनको मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।